नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, गोंडेगांव पुनर्वसन का मामला आए दिन इनकी समस्याएं बढ़ते जा रही है। पिछले 30 वर्षों से पुनर्वसन की मांग की जा रही है, लेकिन 30 वर्षों में पुनर्वसन तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन आए दिन दिन ब दिन इनकी समस्याएं कुछ न कुछ बढ़ते जा रही है। दोस्तों, जिसको लेकर के ग्रामीणों का कहना है कि वो WCL के CMD को अपने गाँव में बुलाएंगे, अगर CMD गाँव में नहीं आते हैं तो WCL के खिलाफ तीव्र आंदोलन कर सकते हैं। आम्ही सर्वात प्रथम CMD ला एक लेटर देणार आहे। जर CMD 10 दिवसात गावामध्ये आले नाही तर आम्ही सर्व गावकरी मंडळी WCL में जाऊन डिस्पॅच रोकून व तीव्र आंदोलन करू। दोस्तों, अपने समस्याओं के निवारण के लिए गाँव वालों ने बड़े अरमानों के साथ मनीषा अशोक दलाल को सरपंच के रूप में चुना। सबकी एक सोच थी कि मनीषा दलाल जब सरपंच बनेंगी तो कहीं न कहीं से उनका जो पुनर्वसन का मामला है इस पे एक बड़ी तेजी आएगी। आपको बता दूं कि हमारे देश में दो तरह के जनप्रतिनिधि होते हैं, एक जो सारा काम खुद ही करते हैं और दूसरा जो सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए रहते हैं, बाकी उनके काम ज़्यादातर काम उनके पति करते हैं। ये हर ग्राम पंचायत से लेकर बड़े जनप्रतिनिधियों के बीच में भी देखने को अक्सर मिलते आया है। एक वीडियो जो हमारे बीच वायरल हुआ उसमें मनीषा दलाल के हस्बैंड यानी कि सरपंच के हस्बैंड जिनका नाम है अशोक दलाल, उनका एक वीडियो आया जिसमें WCL के तमाम पदाधिकारी मंच पर बैठे थे और तमाम पदाधिकारियों के बीच उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने WCL के GM की और संबंधित पदाधिकारियों की कई तारीफें कर डाले। अशोक दलाल को WCL नागपुर एरिया के GM सुनील कुमार में भगवान देखने लग गए। उन्होंने बातों बातों में यह कह दिया कि मुझे तो इनमें भगवान दिखते हैं। मेरे को WCL के अधिकारियों से कोई लेना देना नहीं है, पहले मेरा गांव है, लेकिन जिस तरीके से काम करने की उनकी कला देख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक दो महीने में मेरा निपटारा हो जाएगा। और मैं बोलता हूँ, सरपंच जो कर सकता ना और कोई नहीं कर सकता। अपने को कोई पॉलिटिकल नेता की जरूरत नहीं है। गांव करे सो राम न करे, ऐसी कहावत है। और जो भी प्रॉब्लम है, GM साहब जब अपने से बात करने को तैयार है तो इसके ऊपर कौन होना, अपने को इसके ऊपर किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि करना इनको है, देना इनको है, लेना अपने को है। पुनर्वसन की प्रक्रिया में बोलने का ऐसा फंसा हुआ है, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ये दशा हो गई है। ऐसा आदमी तो मैंने देखा है कि मैं तो चाहता हूँ मेरा साक्षात भगवान मिल जाए। सूत्र बताते हैं कि आने वाले 2-3 महीनों में GM सुनील कुमार रिटायर होने वाले हैं। फिलहाल चर्चे का विषय ये है क्षेत्र में कि आखिर WCL से ऐसी कौन सी नज़दीकियाँ, ऐसे कौन से संबंध बन गए कि GM को भगवान के रूप में देखने लग गए। फिलहाल चर्चे का विषय यही है। इस क्षेत्र की समस्याएं हम आप तक लेकर आते रहेंगे। यहाँ की समस्याएं आप तक निष्पक्ष तरीके से दिखाना ये हमारा काम है और आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ NBCA न्यूज़ पे। सच दिखाए बिना छुपाए। जय हिंद।